फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर का नंबर वन सर्विस सेंटर सूरज कंप्यूटर्स। आज ही हमारे पास एक डेल का लैपटॉप आया है, डेल इंस्पिरॉन 5570। इसमें प्रॉब्लम आपको दिखाई थी हमने शुरू में ही, ये आपका देखोगे इसका हिंज टूटा हुआ है, प्लस टॉप पैनल टूटा हुआ है, बुरी तरीके से टूटा हुआ है। ये खोलने पैक करने में बड़ी समस्या होती है और हम आपको हर वीडियो में जो बताते हैं कि यदि आप इसको ज़्यादा ही ऐसे यूज करेंगे तो आपकी स्क्रीन भी खराब होने का पूरा चांस होता है। तो इस चीज से बचने के लिए अपना हिंज पहले ही ठीक करा ले, जब ये थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स करनी शुरू करें इस कंडीशन तक ना आए। ये वर्स्ट कंडीशन है इसकी, बिल्कुल खराब हो रखी है कि आपका स्क्रीन का भी इसमें काम होना बस बाकी है कि थोड़ा सा झटका लगेगा और आपकी स्क्रीन भी खराब होने का चांस रहता है। तो इस चीज से बचने के लिए आप अपना लैपटॉप का हिंच वाला काम जरूर कराएं, अदरवाइज ये हिंच वाला काम हो जाता तो ये जो टॉप पैनल इनका टूटा हुआ है ये मे भी बच जाता। अब चलो ये तो हो गया, अब ये जैसे ही इसको कस्टमर यूज कर रहा है इसी कंडीशन में, तो इसका क्या है कि अब आपका स्क्रीन पे इसका इफेक्ट आएगा। स्क्रीन पे इफेक्ट क्यों आएगा, क्योंकि क्या होता है जब ये, अब आप देखोगे ये इसका हिंच टूटा हुआ है और जो प्रेशर पड़ेगा वो स्क्रीन पे ही पड़ेगा। अब जब स्क्रीन ऊपर नीचे होगी तो स्क्रीन पे प्रेशर पड़ेगा तो हमारी स्क्रीन में लिक्विड होता है, जो लिक्विड थोड़े से भी झटके से वो फैलना शुरू हो जाता है या कोई लाइन वाली शुरू हो जाती है। तो इस चीज से बचने के लिए आप अपने हिंच को जितना जल्दी हो सके, जब भी आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम महसूस हो तो उसको रिपेयर करा लो, हम आपको यही सजेस्ट करेंगे। और तो आपकी मर्जी है, जो आपने करना है वो आप करोगे, पर हमारा सजेशन यही रहता है कि इसको आप जल्दी जल्दी रिपेयर करा लो। अब हम बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस की, कि ये 5570 जो डेल इंस्पिरॉन की मशीन है क्या इसकी कॉन्फ़िगरेशन है, कैसा इसका परफॉर्मेंस होता है। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं हम आपकी किस प्रकार सहायता कर सकते हैं, कौन सा वीडियो बना सकते हैं, किस विषय पर हम वीडियो बना सकते हैं जिसका आपको जरूरत महसूस होती हो, तो हमें कमेंट भी अवश्य करें। तो अब हम बात करते हैं डेल इंस्पिरॉन 5570 मशीन का परफॉर्मेंस और कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। कॉन्फ़िगरेशन की यदि हम बात करें, इसकी कॉन्फ़िगरेशन है ये i5 8 जनरेशन मशीन होती है, 8GB इसमें रैम है, 256GB इसमें SSD और 1TB हार्ड डिस्क के साथ, यानी इसमें दोनों आते हैं, हार्ड डिस्क भी होती है और SSD भी होती है। काम का परफॉर्मेंस वाइज यदि हम बात करें, कीबोर्ड वगैरह पे भी आप देखोगे बैकलाइट कीबोर्ड होता है इसका, तो आप रात को भी काम कर सकते हैं इस मशीन पे, अंधेरे में अच्छा फील होगा। और यदि हम परफॉर्मेंस की बात करें तो SSD लगी हुई है, नॉर्मल काम के लिए नोटबुक PC आप इसको यूज कर सकते हैं, आप कमर्शियल मशीन में यूज में तो ये चलती नहीं है। यदि आप कोई यूजर, आप स्टूडेंट है, डॉक्टर है या वकील है, उस वाले काम में ये बिल्कुल परफेक्ट मशीन है। ज़्यादा महंगी ली होती है, कॉस्ट भी अच्छी होती है इसकी, इसलिए विदाउट ग्राफिक मशीन होती है। तो और इसमें आप देखोगे ऑन ऑफ स्विच पे ही ये फिंगर सेंसर भी इस पे दिया होता है, तो कई चीज़ें इसमें ऐसे फीचर्स होते हैं जिस वजह से ये मशीन भी अच्छी होती है। और वैसे हम हार्डवेयर की यदि बात करें, डेल में हार्डवेयर तो ठीक होता है, पर ये जो बॉडी वाली प्रॉब्लम आ रही है ये बड़ी, बहुत बड़ी, बहुत बड़े संख्या में ये प्रॉब्लम आ रही है डेल के लैपटॉप में भी। वैसे तो मोस्टली देखो सब में आती है, पर डेल में तो हम ज़्यादा देखते हैं, अंडर वारंटी है डेल के लैपटॉप, इनकी जो बॉडी है बॉडी खराब हो जाती है। तो इस चीज़ से बचने के लिए थोड़ा केयर से यूज करें, मिडिल से यूज करें, एक साइड से यूज ना करें। थोड़ी अब बॉडी की जो क्वालिटी है, जो इनकी प्लास्टिक की क्वालिटी है, प्लास्टिक की क्वालिटी बहुत ही बेकार हो गई है, पता नहीं कैसी प्लास्टिक की क्वालिटी आती है। नहीं तो पहले मशीन होती थी 10-10 साल कुछ भी, कोई बॉडी वगैरह की, कोई हिंच वगैरह की कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं आती थी। तो आजकल इन लैपटॉप में ज़्यादा आ रही है, जो आजकल की मशीनें आ रही हैं इनकी बिल्ड क्वालिटी ऐसी है और थोड़ा इनकी प्लास्टिक में भी प्रॉब्लम है। तो ये बात हुई हमारी कॉन्फ़िगरेशन की और मशीन के बारे में कि क्या कंडीशन हो सकती है। तो हम बात करते हैं इसको, हम इंच को चेंज करेंगे, बॉडी को रिपेयर करेंगे तो हमारी मशीन बिल्कुल ओके हो जाएगी। आप आपको दिखाते हैं कि हम इसको कैसे रिपेयर कर। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि इस तरह के कंटेंट हम आपके लिए बनाते रहते हैं। और अगर आपके लैपटॉप में भी इस तरह की समस्या आ रही है तो आप हमें अपने लैपटॉप की वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर भेजें, हम आपको जितना संभव हो सकेगा उसका सोल्यूशन बताएंगे। और आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, हम आपको उसका रिप्लाई करेंगे जिससे कि आपकी समस्या का समाधान हो सके।
हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि इस तरह के कंटेंट हम आपके लिए बनाते रहते हैं। और अगर आपके लैपटॉप में भी इस तरह की समस्या आ रही है तो आप हमें अपने लैपटॉप की वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर भेजें, हम आपको जितना संभव हो सकेगा उसका सोल्यूशन बताएंगे। और आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, हम आपको उसका रिप्लाई करेंगे, जिससे कि आपकी समस्या का समाधान हो सके।